गाइस गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम से। अभी जो है टाइम 4:30 बज चुके हैं। तो इस टाइम मैं आई हूँ मामा जी के घर नीचे। तो जैसे कि आपको पता है आजकल मैं मायके में हूँ। पिछले कल मैं मायके आई थी तो मेला देखने, और मैंने आपको चिमटी का मेला दिखाया। आपको कैसा लगा आपको? तो गाइस अभी इस टाइम आए हम नीचे मामा के घर। तो पीछे ऊपर है हमारा घर, तो यहीं पे साथ में पड़ता है मामा जी का घर। तो हम वहाँ पे आए अभी, दीदी और मैं और मासी की बेटी शालू और बच्चे साथ में आए हैं। तो अभी जो है मौसम साफ हुआ है, थोड़ा सा धूप भी अच्छी खासी लगी है। सुबह से जो कंटिन्यू बारिश हो रही थी, कल शाम को जो पूरी पूरी रात बारिश हुई। अभी आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देता है। आप देख सकते हैं बादल ही बादल छाए हैं आसमान में। और ये वाला गांव तो मैं अक्सर दिखाती हूँ आप लोगों को वीडियो में। और ये है हमारा घर, और ऊपर पापा जी घूम रहे हैं बालकनी में। तो ये है नक्श है। यहाँ पे जो है फ्लावर लगे हुए हैं छोटे छोटे से। तो साथ में जो है चारों तरफ सेब का बगीचा है। आप देख सकते हैं सेब ही सेब है। अभी ना सामने से धूप लगी हुई है, बादलों के बीच सूरज है तो सामने से जो है धूप लगी है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं बगीचा ही बगीचा है। और सामने है ये है चेरी का पेड़। ये देखिए गाइस कितना बड़ा पेड़ है। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये है गलगले का पेड़। और यहाँ देखिए कितना सुंदर फ्लावर है। और यहाँ पे भी है गुलाब का फूल। गाइस यहाँ पर मामी जी बना रहे हलवा, सूजी का हलवा बनाया है इन्होंने। बहुत ही टेस्टी टेस्टी हलवा, देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। अब खा के पता चलेगा कैसा बनाया है। और क्या बनाया आपने? मैगी बनाई है। और मैगी बनाई है इन्होंने यहाँ पे। इसमें अब बन रही है काली चाय। अब बनेगी इसमें चाय, ब्लैक टी बनेगी। तो इनसे मिलिए, ये है मेरी मामी जी। हाय। अच्छा तो इधर बना रहे चाय इंडक्शन पर। गाइज मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज, ये कौन सी सब्जी है? सरसों की सब्जी है ये, सरसों लगा हुआ है। तो ये कुछ यूनिक जैसा है, हमारे यहाँ तो नहीं होता है, हिमाचल में नहीं होता ऐसे सरसों। तो ये लाया है मामा जी ने नेपाल से, नेपाल से इन्होंने बीज लाया था, फिर यहाँ पे बीज आए। ये देखिए कितना सुंदर है ये लगा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे गोभी का वो लगा हुआ है, गोभी का फूल। तो ये गोभी नहीं है, ये सरसों है। तो इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, नेपाल में ऐसी सब्जियाँ होती है, तो हमारे यहाँ तो दूसरे तरीके का सरसों होता है। तो यहाँ पे भी लगाया है इन्होंने थोड़ा सा। इसके ना पेड़ भी लगते हैं, ये बड़ा बड़ा होता है, ये अभी छोटा है। यहाँ पे सभी बैठ गए हैं खाने। तो मामी जी ने देखो क्या क्या बनाया है, मैगी और हलवा स्नैक्स में बनाया हुआ है ये हमारे लिए स्पेशली। तो ये सब लोग बैठे हैं खाने। हेलो, इधर देखो भाई, सब देखो भी देखो, ये देखो कैसे खा रहे, जैसे भूखे हैं 4-5 दिनों से। कैसा बना है? नक्श बताएगा कैसा बना है हलवा। अच्छा है। हाँ भाई यश, अच्छा है। तो देखिए इसने खत्म कर लिया खा के सारा, उसका रखा यहाँ, इधर भी इन्होंने भी खत्म कर दिया है बुक्कड़ ऐसे। और ये भी बैठी है खाने। कैसा बना है शालू?
पल्लू अक्षु बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया बनाया मामी जी ने। और बता ले अपने मामा कहाँ बैठे ये है मामा जी इनको अभी तक दिया नहीं है मामी जी ने इनको सबसे लास्ट मिलेगा वो यहाँ देखिए मामा जी की बिल्ली के चार चार बच्चे हुए हैं देखिए छोटे छोटे से इतने छोटे छोटे से एक यहाँ पे है हेलो गाइस सबसे छोटा वो है गाइस छोटे सबसे छोटा ये वाला है ये बड़ा सा है फिर ये बड़ा है फिर ये सबसे छोटा जो ये है ये बहुत ही छोटू सा है बस ऐसे मत पकड़ इनको यहाँ देखिए कितना छोटू सा है ये रख जी रख जी रख ये तो पाप है वो देखो कितने छोटे से ना चार चार से क्यूटू से है ये किट्टू है ये छोटे छोटे से बेलू तो इनको जो है पेटी में रखा गया है और साथ में इनको यहाँ छोटा सा कंबल रात को डालने के लिए रखा है अभी साइड में रखा है कंबल थोड़ी है ताकि इनको ठंड ना लगे कंबल ही रखा और यहाँ पे है इनकी थाली खाने की बड़ा भी लगा है तो इनको जो है स्टोर रूम में रखा है यहाँ पे और यहाँ पे मर जाते गर्मी इस माह इनकी माँ जो है अभी घूमने गई है पे है गाइज नेक्स्ट डे का व्लॉग तो मैंने दो दिन का इकट्ठा व्लॉग डाल दिया था क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है इस टाइम तो हम चले गए थे स्प्रे करने सुबह सुबह 7 बजे तो पापा ये स्प्रे कर रहे हैं आप देख सकते हैं वीडियो में तो स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी है सेबों में जो है हर हफ्ते स्प्रे करनी पड़ती है ये देखिए गाइस मॉर्निंग का व्यू चारों तरफ बादल ही बादल छाए हैं तो बारिश होने की संभावना थी फिर भी स्प्रे कर दी है तो मौसम साफ ही हो रहा था कहीं कहीं बादल छाए हुए थे तो ये छोटे छोटे से प्लांट्स है तो इनमें स्प्रे कर रहे थे पापा जी बाकी में तो कर दी थी इन्होंने तो यहाँ पे कुछ पेड़ रहते थे थोड़ा सा छोटा सा बगीचा है यहाँ पर तो यहाँ पर स्प्रे करने को रही थी तो यहाँ पे आए थे पापा मम्मी और मैं स्प्रे करने यहाँ पर गाइस मैं टंकी में दवाई घोल रही थी तो आप देख सकते हैं तो इसको घोलना पड़ता है डंडे से ताकि ये अच्छे से स्प्रे हो अच्छे से मिले इसमें जो भी दवाई डाली होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस पार्क को तो उधर जो है धूप लग चुकी है तो इधर को नहीं लगी थी इधर मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ था तो स्प्रे करने के बाद गाइस मुझे जाना था घर तो घर भी जाना ज़रूरी है यहाँ पे मैं चल पड़ी हूँ घर की और तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी